हे ऑल, मैं हूँ हेमा और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे अलसी की चिक्की, जो होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्दी। तो वैसे तो हर मकर संक्रांति हम ट्राई करते हैं तिल की चिक्की, बट इस मकर संक्रांति हम ट्राई करेंगे कुछ डिफरेंट। अलसी की चिक्की बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 कप अलसी ले, आधा कप देसी गुड़ और थोड़ा सा घी अलसी को रोस्ट करने के लिए। सबसे पहले पैन को हम गर्म करेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा घी और उसके बाद जो है रोस्ट करने वाले हम अलसी को। अलसी को रोस्ट करते समय पहले हाई फ्लेम पे आप इसे रोस्ट करें। जब इसमें से तड़तड़ाने की आवाज़ आए अलसी की तो आप लो कर दें फ्लेम को और इसके बाद इसे 3-4 मिनट तक और अच्छे से जो है रोस्ट कर लें। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दें किसी और बर्तन में और सेम पैन में अब हम गुड़ को गर्म करने वाले हैं। तो गुड़ को इसमें ऐड करें और इसे पिघला लें अच्छे से, इसमें कोई भी लम्स ना रहने दें। लम्स हट जाए तो उसे और 2 मिनट तक पकाएं और इसका जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्ट की हुई अलसी। इसके बाद जब हम इसे ऐड कर देंगे तो इसे अच्छे से आप मिक्स कर ले एक दूसरे में, 2-3 गड़ची चला दे, दैट्स इट। और किसी भी ग्रीस किए हुए बेस पे आप इसे स्प्रेड कर दें। यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हूँ, बेलने में ज़्यादा आसानी होती है। आप चाहे तो प्लेट में भी इसे रख सकते हैं। अगर आपको पतला बेलना है तो आप एकदम पतला भी बेल सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती है वो भी। और यहाँ पे जो है मैं गरम ही गरम इसे काटने वाली हूँ कटर से और इसके बाद 15-20 मिनट तक इसे सेट होने के लिए रख दूँगी और अलसी की चिक्की हो जाती है आपकी रेडी। ये बहुत ही डिलीशियस होती है, हेल्दी होती है आपके हेल्थ के लिए भी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है। लाइक करिए वीडियो और पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।